नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दुमका की अंकिता का जो केस है, उसकी जो साजिशें हैं, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अंकिता की हत्या की साजिश में बेशक जो मेन दिखाई दे रहा है युवक, वो शाहरुख है, लेकिन उसके पीछे भी एक युवक है जिसका पूरा दिमाग इस पूरे केस में चल रहा था, जिसको उसने छोटू का नाम दिया था। दरअसल ये छोटू नईम है। नईम ने ही अंकिता के लिए जो पेट्रोल का बंदोबस्त किया था, वो नईम ने ही किया था। यानी कि इस नईम के कारण केवल 60 रुपए में अंकिता की जान का सौदा हो जाता है। पेट्रोल से जलाने की साजिश रचाई ताकि जलने के बाद जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। नहीं नहीं 60 रुपए का पेट्रोल खरीद कर शाहरुख को दिया था, जिससे शाहरुख ने अंकिता को जला दिया। इस साजिश के पीछे शामिल रहे शाहरुख के दोस्त नईम भी जो है शातिर क्रिमिनल है। अब अंकिता की मौत के बाद दुमका पुलिस ने इस केस में पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। असल में इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसकी उम्र को नोट करवाया था 19 साल, लेकिन बाद में उसकी उम्र को 15 साल होने की जानकारी हुई, तो इसके बाद इस एक्ट को भी केस में शामिल किया गया, पॉस्को एक्ट। परिवार के लोगों ने ये बताया कि अंकिता पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। जाहिर सी बात है, हर लड़की के अपने सपने होते हैं, कुछ उड़ानें होती हैं। वो आईपीएस बनना चाहती थी, ये उसने सपना देखा था। और अगर हम फेस वाइज, पर्सनैलिटी वाइज अंकिता को देखते हैं, तो वाकई में उसके चेहरे में कुछ बात है और इम्पेक्टिव उसका फेस है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में पेट्रोल से आग लगाकर जलाकर हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया। अंकिता के 3 भाई भी हैं। ये बीच वाली 3 भाई बहन थे, ये बीच वाली बहन थी और एक बहन उसकी शादीशुदा है, जबकि छोटा भाई 12 साल का है। अंकिता 15 साल की थी। पिता एक बिस्किट कंपनी में सेल्समैन है, जबकि उसने अपनी माँ को पिछले साल ही खोया था। पुलिस ने जो जानकारी, इस घटना के बारे में पुलिस के सामने जो जानकारी आती है, उस समय दुमका के जरुवाडीह इलाके में रहने वाली अंकिता अपने घर में सो रही थी। सुबह का समय था। सुबह का समय मतलब करीब 4:30 से 5 बजे के करीब। खिड़की घर की खुली हुई थी, क्योंकि मौसम ऐसा है, अमूमन लोग खिड़की खोल के सोते हैं। उसी समय पड़ोस में रहने वाले शाहरुख ने खिड़की से ही पेट्रोल से आग लगा दी। 5 दिनों तक अंकिता ने जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन आखिर वो हार गई। और शाहरुख पिछले 2 साल से लगातार अंकिता को परेशान कर रहा था। कभी दोस्ती का दबाव बनाता तो कभी जान से मारने की धमकी देता। परिवार के लोग बदनामी के डर से चुप थे। और मैं थोड़ा सा रोकती हूँ आपको। अक्सर परिवार वाले लोग ऐसे मामलों में चुप लगाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ उन माता-पिता को। अब भी तो कोई ज़्यादा हालात अच्छे नहीं हैं। बेटी चली गई है, जो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए था, वो सब बातें लोगों को पता चल ही रही है ना। तो जब अंकिता शिकायत कर रही थी, तो उसकी बात पे गौर करना चाहिए था माता-पिता को। जब भी घर की बेटी किसी के बारे में शिकायत करे, तो माता-पिता को ज़रूर उस पे गौर करना चाहिए। तो मैं फिर से आती हूँ अंकिता की कहानी पे। शाहरुख ने जब पेट्रोल डाल करके अंकिता के कमरे में आग लगाई, तो वो लगभग 40% जल चुकी थी। इसके बाद भी अंकिता ने काफ़ी लड़ाई लड़ी जिंदा रहने के लिए।
लेकिन उसके जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें ये था कि शरीर की जो ऊपरी परतें थी उसमें पस पड़ गई थी, मवाद भर गया था, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होता है और फिर वो इन्फेक्शन मल्टीपल ऑर्गेन में फैलता है और इसके बाद उसकी जान जाती है। नईम के खिलाफ अब एक और लड़की ने आवाज़ उठाई है। देखिए, जब ये आवाज़ उठी तो एक और लड़की आगे आई ना, और अगर समय रहते अंकिता के माता पिता खड़े होते, आवाज़ लगाते, पुलिस के पास जाते, शोर मचाते, तो हो सकता है कि ये लड़की इस तरीके से इसका अंत नहीं होता अंकिता का। तो जब इस लड़की को पता चला कि अंकिता को जला के मारने वाले शाहरुख के पीछे नईम का हाथ है, तो उस लड़की ने कई राज खोले। अब आप देखिए, पुराना दुमका की रहने वाली इस लड़की ने ये कहा है कि नईम जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। जब उसने मना किया तो उसे दुबई में किसी अपने भाई को बेचने की धमकी भी दे दी। कोचिंग आने जाने के दौरान नईम अक्सर लड़की को छेड़खानी करता था, परेशान करता था और विरोध करने पे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता था। लड़की ने यह भी कहा कि एक दिन उसी नईम ने उसका अपहरण भी कर लिया था और एक कमरे में उसको बंद करके रखा। परिवार के लोगों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो किसी तरीके से उसके चंगुल से बचाया गया। और इसके बाद नईम को जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से जमानत पे छूट के आया तो फिर से उसने किडनैपिंग करने की धमकी दी। फिर से अपने उसी ढर्रे पे, बदमाशी के, बेशर्मी के ढर्रे पे वो आ गया। अब उसका नाम अंकिता मर्डर में सामने आ रहा है, इसलिए वो लड़की जो है जिसने नईम का नाम लिया है तो काफ़ी डरी हुई है। वो कह रही है कि उसका पूरा परिवार डरा हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोपी हंसते हुए जाते हैं उससे लगता है कि किसी का हाथ इनके ऊपर है, तो उस लड़की का डरना भी वाजिब है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़की डर के घर में बैठ जाए, उसने अपनी आवाज़ उठाई तो अब उसको सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा नईम ने एक और शादीशुदा महिला को अगवा करके 3 महीने तक बंधक बनाया। और जो मैं बहुत ही भारी मन से आपको बताना चाहती हूँ वो है वो आखिरी पल, वो आखिरी लफ्ज जो अंकिता ने मजिस्ट्रेट के सामने कहे। मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि उसने क्या कहा। सोमवार की रात 10 बजे के आसपास हमने पापा को शाहरुख के बारे में बताया था और पापा ने कहा कि सुबह देखते हैं, लेकिन सुबह वे खिड़की से हम पर पेट्रोल डालकर आग लगा के भाग गया। शाहरुख के साथ उसका दोस्त छोटू खान भी था। मैं आपको बता दूं कि छोटू यानी कि नईम, आगे वो कहती है कि हमने खिड़की से दोनों को भागते हुए देखा था। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं मर रही हूँ आज, वैसे ही शाहरुख को भी सजा मिले और वो भी मेरी ही तरह मरे। मैं सिर्फ यह देख पाई कि ब्लू टी शर्ट में, हाथ में पेट्रोल की कैन लिए हुए शाहरुख भाग रहा था। ये वही शाहरुख था जो पिछले 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसे आवारा किस्म के लड़के के रूप में सब जानते थे। उसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना, छेड़खानी करना, उन्हें अपने झांसे में लेकर के इधर उधर घुमाना था। और पिछले 2 हफ्ते से वो मेरा पीछा कर रहा था। जब भी मैं स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती तो वो मेरा पीछा करता। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और फिर उसके बाद उसने मोबाइल पे मुझसे दोस्ती करने की धमकी दी, दबाव बनाने लगा। शाहरुख ने धमकी दी कि अगर मैं उसकी बातें नहीं मानूंगी तो वो मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन ये समझ नहीं पाई कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। 22 अगस्त की रात को उसने मुझे धमकी दी थी, और अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे मारेगा। मैंने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकालेंगे, और उसी सुबह उसने पेट्रोल डाल के जला दिया। दोस्तों, ये जो अंकिता के लव्स हैं, जो आखिरी उसका डिक्लेरेशन है, ये बहुत मायने रखता है और हर माता पिता को और हर लड़की को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि
लड़की ने अपने पिता को बताया, अगर समय रहते उसकी बात पे गौर किया जाता तो शायद आज जिस अंकिता को परिवार ने खो दिया है, सीन ऐसा नहीं होता। और शायद ये गुनाह करने से पहले ही शाहरुख और उसका दोस्त नईम सलाखों के पीछे होते हैं। हमें कभी भी अपने बच्चों को, अपने बेटी या बेटे को, जो भी वो शिकायत कर रहा है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। ये कोई मैं आपको भाषण टाइप नहीं दे रही हूँ। अक्सर माता पिता अपनी इज्जत के कारण कुछ बोलते नहीं हैं और नतीजा देखिए आपके सामने। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और एक बात जो हर बार मैं कहती हूँ, आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो अंकिता के साथ बात हुई है, घटना हुई है, ये किसी भी घर की बहन या बेटी के साथ हो सकती है। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।